अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। सेंसीवेरिया की बहुत सी वैरायटीज आती हैं और सेंसीवेरिया को मदर ऑफ फ्लावर्स टंग भी कहा जाता है। इसको स्नेक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और 4 से 5 वैरायटीज इसकी मेरे पास हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। सेंसीवेरिया सिलेंड्रिकल और एजिस जिसके लीव्स के येलो होते हैं वो वाला, सिंपल वाला, और एक ये चौड़े पत्तों वाली वैरायटी है। इसके अलावा एक नेस्ट प्लांट होता है सेंसीवेरिया में, वैरायटी है उसकी, छोटे छोटे से बिल्कुल उसके लीव्स होते हैं, और ड्वार्फ वाली वैरायटी ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसको ग्रो करना बहुत आसान है। अगर ये प्लांट एक दफ़ा आपके पास आ गया तो ये प्लांट आपके पास से कभी भी कहीं नहीं जा सकता। इसकी कोई सी भी वैरायटी हो, बस इसको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है आपने, और जो भी आप अपने गार्डन में नॉर्मल सी सॉइल यूज़ करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी ना हो, नॉर्मल सी सॉइल हो जिसमें पानी बहुत ज़्यादा देर के लिए रुके ना, तो ऐसी सॉइल में आप इसको लगा दें। और सुबह की थोड़े से टाइम की या शाम के थोड़े से टाइम की इस पर धूप भी आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन शदीद गर्मी के मौसम में जैसे जून जुलाई होता है, उन दिनों में अगर आप इसे धूप में रखेंगे तो फिर इसके लीव्स जो है वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज़ पूरा साल एवर ग्रीन रहने वाला प्लांट है, और नासा की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्लांट आपके माहौल में से जो टॉक्सिक गैसेस होती हैं उनको सक करता है, और 24 घंटे आपको ऑक्सीजन रिच फिज़ा मुहैया करता है, आपके इर्द गिर्द की फ़िज़ा को साफ़ रखता है और आपको साफ़ सुथरी हवा प्रोवाइड करता है, आप हेल्दी और खुश हुरम रह सकें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी हार्डी प्लांट है और बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो अगर ये प्लांट हम ले आते हैं तो एक प्लांट से हम बहुत जल्द बहुत से प्लांट्स बना लेते हैं। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि जितने मेरे प्लांट्स हैं सारे के सारे एक एक प्लांट से देखें प्रोपोगेट होकर तो कितने कितने प्लांट्स बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्लांट्स ये डेवलप करता है। और आप एक एक पॉट से इसके बेबी प्लांट्स लेके और पॉट्स में लगा के तो एक प्लांट से बहुत से बेशुमार प्लांट्स बना सकते हैं। और सेंसीवेरिया की सभी वैरायटीज़ आप लीव के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं और रूट डिवीजन के ज़रिए भी इनके पप्स वगैरह अलग करके भी बना सकते हैं। तो इसको हम लीव के ज़रिए किस तरह से ग्रो कर सकते हैं ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके हम पानी में लीव रख के उसकी रूट्स भी बना सकते हैं, और डायरेक्ट मिट्टी के अंदर हम लगा देते हैं तो भी इसकी रूट्स बन जाती हैं और बेबी प्लांट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। इस प्लांट को आप इनडोर भी प्लेस कर सकते हैं और आउटडोर भी। इंडोर रख के थोड़ी सी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, अदरवाइज़ आउटडोर में आप नेट के नीचे या कहीं भी शेड में रख लें या ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे थोड़े से टाइम की धूप आती हो, बाकी तमाम टाइम इस पे साया रहे, तो ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, बहुत से बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस करता है और वो बिल्कुल भी केयर नहीं मांगता। बस आपने जब देखना है कि मिट्टी सूख रही है तो इसके अंदर पानी डाल दें, और पॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रूट बाउंडिंग का शिकार हो गए हैं तो इनको आप ड्रिजन के ज़रिए प्रोपगेट कर लें और एक प्लांट से ज़्यादा प्लांट्स तैयार कर लें अपने। ये प्लांट गिफ्ट करने के लिए भी बहुत ही बेस्ट है, और छोटे बड़े किसी भी पॉट्स में इनको आप लगा सकते हैं। और इतना अच्छा और ये इस कदर लो मेंटेनेंस प्लांट है कि इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती। जब इसकी मिट्टी बनाते हैं तो अच्छी सी मिट्टी बना के आप उसके अंदर वो कार्डन कंपोस्ट वगैरह ऐड कर लें, उसके बाद दें या ना दें इस प्लांट को फर्टिलाइज़र कोई मसला नहीं है, ये प्लांट साल हर साल तक ऐसे ही आपके पास चलता रहेगा। सेंसीवेरिया के प्लांट जब मैच्योर हो जाते हैं तो उन पर बहुत ही खूबसूरत सी फ्लावरिंग भी होती है, और जब फ्लावर्स ख़त्म हो जाएं तो उनका जो फ्लावरिंग स्टॉक है उसको आप बेस से रख के कट कर दें। तो इसकी अगर लीफ प्रोपगेशन की बात करें तो ये देखिए जी, ये वाला पॉट कुछ लीव्स टूट गए थे तो उसको मैंने काम करते हुए ऐसे ही कट करके तो मिट्टी में दबा दिया था, तो ये देखिए ये पानी डालते हुए इसका एक लीव जो है वो अपनी रूट्स
सामने लेके बैठा हुआ है। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी रूट्स बनी हुई है। और आई थिंक ये वाला इसी का बेबी प्लांट है। और ये देखिए एक लीव सेंटर में था, उसने भी बेबी प्लांट निकाल लिया है, इसने भी निकाल लिया है। और ये देखें ये वाला जो लीव था, इसने भी बेबी प्लांट निकाल लिया है। और बहुत ही अच्छी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम लगता है, तकरीबन 2 माह लग जाते हैं इस प्लांट लीव को अपनी रूट्स बनाते हुए। पानी के अंदर अगर आप इसकी रूट्स बनाते हैं तो भी आपको थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन इसका पानी जो है वो आपको वीकली चेंज करना होगा। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द इसकी रूट्स बन गई हैं 2 माह के अंदर अंदर, और इसने अपने बेबी प्लांट्स निकालना शुरू कर दिए हैं। तो इसी तरह से ये देखें, ये एक प्लांट है जो कि लीव है जो कि मैंने काम करते हुए, ये भी टूटा था और मैंने इस तरह ग्लास में लगा दिया था सीजर के साथ कट करके। तो ये देखिए अब इसने एक छोटी सी ग्लासी में लगा हुआ है, ये देखें इस कप के अंदर। तो इसमें ऐसे इसने 2 पप्स निकाल लिए हैं अपने। तो यूँ सेंसिवेरिया प्लांट को हम कटिंग के ज़रिए, लीव प्रोपोगेशन के ज़रिए बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं और एक प्लांट से बहुत से प्लांट्स बना सकते हैं। और ये प्लांट हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हमारे घर की फ़िज़ा को साफ़ करता है और ख़ूबसूरत लगता है। सबसे बड़ी बात कि अगर आप बिगनर हैं या आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉबियन हैं, टाइम की कमी की वजह से आप ज़्यादा टाइम गार्डनिंग को नहीं दे पाते, तो भी ये प्लांट आप अपने घर में ले आएँ और बहुत कम केयर के साथ आप इस प्लांट से बहुत से प्लांट्स भी बना सकते हैं, अपने घर की फ़िज़ा को भी साफ़ सुथरा रख सकते हैं और अपनी गार्डनिंग के शौक को भी पूरा कर सकते हैं। तो ये देखिए इस बाजू का ऐसे प्लांट्स के अंदर से जो लीव्स होते हैं वो खुद ब खुद ही गिर जाते हैं। ये देखें, ये देखें, गर्मी की वजह से या पानी की कमी बेशी की वजह से हो जाता है ऐसे। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप अपने प्लांट्स का जायज़ा लेते रहिए वीकली। तो इस तरह से अगर आपको कुछ प्लांट्स नज़र आएँ इसके लीव्स, तो इनको यहाँ से कट करें और मिट्टी में लगा दें या आप पानी के अंदर इनको रख दें। बस इसको इस तरह से तिरछा कट कर लें या आप इसको इस तरह से यूं भी कट कर सकते हैं। तो इनको पानी में रख देंगे तो बहुत जल्दी इसकी रूट्स डेवलप हो जाएंगी, फिर आप उसको मिट्टी के अंदर शिफ्ट कर दें। मिट्टी में लगाएंगे तो आपको बस पानी का ध्यान रखना होगा कि इस लीव को जिस पॉट में भी आपने लगाया हुआ है इसको ओवर वाटरिंग ना होने पाए। अगर ओवर वाटरिंग हो जाएगी तो ये आपका लीव गलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ख़राब होते हुए लीव से आप मुफ्त में बहुत से प्लांट्स बना सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और प्लांट को लेके किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंजॉय योर गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।